नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुंदेल। मुंबई के कुर्ला इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें मौके पर मौजूद कई मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। न्यूज़ एजेंसी ANI से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह कुर्ला इलाके के नेहरू नगर में आवासीय क्षेत्र में खड़ी करीब 20 मोटरसाइकिलों में आग लग गई। इस दौरान सभी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में पता नहीं चल सका है। वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आग लगने से इलाके में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन अब सब सामान्य है। मैं घर में था, कुछ लोग आके दरवाजा टोके, बोले नीचे अंगार लगे। तो हम लोग नीचे भाग के आए तो बहुत इधर बाइक लगी थी, सब बाइक को हम लोग ने बाहर निकाला। तो जब तक दो चार बाइक जलने लगे, अभी फायर वाले को फ़ोन किया, फिर वो आने में उनको भी आधा घंटा लगा। तो उसके बाद अब ये कैसा हुआ अभी तक कुछ उसका रीजन मालूम नहीं है। आप बता दें, ये गाड़ी नेहरू नगर रिहायशी सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी थी। जानकारी के मुताबिक ये आग आज सुबह लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि सभी मोटरसाइकिल आग में जलकर खाक हो गईं। मिली जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने शक जाहिर किया है कि किसी ने सिगरेट पीकर फेंक दिया होगा, जिसकी वजह से आग लगी है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही वन इंडिया हिंदी के साथ।